अनेक तौर से जाना जाते हैं, यहाँ के पीस लविंग कल्चर, यहाँ के कम्युनल हार्मोनी और साथ ही साथ द रिपोजिटरी ऑफ ग्लेशियर, द ट्रेजरी ऑफ मेडिसिनल प्लांट और यहाँ के सोलर एनर्जी, यहाँ के जियोथर्मल, यहाँ के टूरिज्म, अनेक विषयों को लेकर लद्दाख को आज पूरे विश्व में जाना जाते हैं। और इस लद्दाख में इस तरह के जो विकास के कार्य को प्रगति देने के लिए आज केंद्र में जो मौजूदगी सरकार इतने सक्षम है, केवल विकास ही नहीं बल्कि इस देश के सुरक्षा के लिए। और मैं बधाई देना चाहूंगा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को, केवल दौलतबीर उड़ी सेक्टर ही नहीं बल्कि आपके जितना भी लद्दाख क्षेत्र में जो विकास के कार्य चल रहा है, चाहे येमोपदुम दर्चा रोड हो, चाहे यहां से डेमजोक चुमुर में हो या जांसकर एरिया में हो, हर जगह जहां भी बीआरओ का काम चल रहा है, इतने जोर शोर से अच्छी तरह से काम चल रहा है और पूरे लद्दाखवासी खुश है। कुछ दिन पहले मुझे पुणे जाने का अवसर मिला और वहां के जो सीनियर सिटीजन्स लोग जो यहां टूर के लिए आए थे, उन्होंने मुझे कहा कि पुणे से ज्यादा लद्दाख का रोड बहुत अच्छा है। और मैंने उनको कहा इसका श्रेय जो है डीजी बीआरओ के समेत और हमारे रक्षा मंत्रालय को जाते हैं, क्योंकि एक सीमा प्रवृत्त क्षेत्र होने के वजह से यहां के सिक्योरिटी के साथ साथ यहां के लोगों को भी ये सारे सुविधा उपलब्ध हो रहा है। और आज हम सबके लिए खुशी की बात है, आज मेरे जानकारी में आया, शायद माननीय रक्षा मंत्री जी अगर आप अपने भाषण में यहां अपने संबोधन में हमारे लोगों के जानकारी में ला दे तो और भी अच्छा होगा, जो टूरिज्म के लिए कहा तब खोला। और हम चाहते हैं कि यह सेक्टर भी टूरिज्म के लिए खुला जाए, क्योंकि यहां के रूरल इकोनॉमी को एक बढ़ावा मिलेगा। यहां के जो दिगर टंगियार से लेके शायोक से लेके दुर्भुक से लेके जितना भी ये छुशुल फोबरांग के एरिया है, इन लोगों को टूरिज्म की ओर से रूरल टूरिज्म को बढ़ावा देके इन लोगों के आम जिंदगी जो एक जीवन जीना होता है, वो एक कमियाब जिंदगी, एक वेल इकोनॉमिक जिंदगी जीने का जो सक्षम बने, जो क्षमता बने, ऐसा हम अपेक्षा करते हैं। मैं ज्यादा ना कहते हुए माननीय रक्षा मंत्री जी को एक बार फिर से स्वागत करते हुए आप सबको यहां पे उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं श्री ज्ञान पी वांग्याल से निवेदन करूंगा कि रक्षा मंत्री का चीफ गेस्ट ऑनरेबल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी, लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह जी जीओसी 14 कॉर्प्स, लेफ्टिनेंट जनरल संजीव राय, ब्रिगेडियर नितिन शर्मा, चीफ इंजीनियर हिमांग, डॉ यूटी लद्दाख, it gives me immense pleasure and satisfaction and pleasure to extend a very warm welcome to Chief Guest Shri Rajnath Singh Ji, Raksha Mantri, on behalf of the British, to the son of soil and our warrior Colonel Chhimam Ranjan, MVC Bar Sena Medal. Is an honor and not only to him but Jan. I extend my sincere welcome to Dr. Prisa Ongmo, the daughter of Colonel Chhimam Ranjan, a two-time recipient of Mahavir Chakra. Holds a special place in the दो किस्तों में करना पड़ा है।
and the chief of the army staff, and the three Jemyal Shering Nangyal, member of parliament. Your name is correct, na? Lieutenant General Ravind Singhji, army commander. Lieutenant General Harpal Singh, DG Border Roads Organization. Lieutenant General Harinder Singh, this corps commander, and Sri Wangyal CC, and Colonel Shivan Richin ki Suputri. और यहाँ पर मौजूद मेरे सभी बॉर्डर रूट ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिसर्स, जवान और अन्य देवी एवं सज्जनों, सचमुच मुझे बेहद खुशी है कि कर्नल शिवांग रिंचम यमवीसी ब्रिज का मुझे उद्घाटन करने का यह अवसर प्राप्त हुआ है और आज यहाँ आकर और इस स्थान को देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि यह धरती शौर्य की धरती है, धैर्य की धरती है और साथ ही साथ सौंदर्य की भी यह धरती है। और आज के 70 वर्ष पहले जिस प्रकार से कर्नल शिवांग रिंचन ने जो अपना बलिदान दिया है, मैं समझता हूं कि हम सभी तहे दिल उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनकी स्मृति को भी हम यहां पर नमन करते हैं। जैसा कि डायरेक्टर जनरल बीआरओ ने बतलाया, उन्हें दो बार महावीर चक्र से भी यह सम्मानित किया गया है और उन्हीं के नाम पर इस ब्रिज का निर्माण बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। और मैं सचमुच कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने जिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके इस ब्रिज का निर्माण किया है, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की इस स्किल की जितने भी सराहना की जाए वह कम है। मैं इसके लिए डायरेक्टर जनरल बीआरओ, सारे इंजीनियर्स और जितने लोगों ने भी इसमें अपना अपने जिस्म का पसीना बहाया है, मैं सभी को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। और मैं यह मानता हूं कि यह ब्रिज केवल दो जगहों को जोड़ता नहीं, बल्कि यह ब्रिज पूरे लेह लद्दाख और अब तक अलग थलग पड़े जम्मू कश्मीर की को भी, वहां की जनता को देश की मुख्य धारा से भी यह जोड़ने का काम करता है। अब इस क्षेत्र के लोग भी ऐसी परियोजनाओं के कारण देश के विकास में सहभागी बन सकेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और इस क्षेत्र में लाख प्रयासों के बावजूद बहुत सारे निर्माण कार्य नहीं हुए, लेकिन हम सब के लिए हर्ष का विषय है कि अब वह सब सारे निर्माण कार्य यहाँ पर हो रहे हैं और इन निर्माण कार्यों में यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका आदि कोई निभा रहा है तो हमारा ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन निभा रहा है। और जिस लद्दाख में इस ब्रिज का निर्माण हुआ है, अब वह लद्दाख 31 अक्टूबर को यह पूरी तरह से यूटी बन जाएगा। जम्मू कश्मीर की धारा 370 और 35A समाप्त होने के बाद, और अब तक जो यहां भारत के अंदर दो संविधान और दो निशान हुआ करते थे, अब वह चीज समाप्त हो चुकी है। अब भारत का एक संविधान है और भारत का अब एक निशान है। यहां के लोगों को भी इसके पहले दो दो नागरिकता लेनी पड़ती थी। जम्मू कश्मीर के भी वह नागरिक कहे जाते थे और साथ ही साथ पूरे भारत के नागरिक कहे जाते थे, लेकिन अब लद्दाख के और जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोग भी बड़े गौरव के साथ कह सकते हैं कि अब हम अखंड भारत के नागरिक हैं, केवल एक किसी यूटी के नागरिक नहीं हैं, बल्कि अब हम अखंड भारत के नागरिक हैं। जमीन खरीदना भी इन्हें कोई बाहर से आकर यहां डेवलपमेंट करना चाहे, जमीन भी नहीं खरीद सकता था, लेकिन अब वह सब सारी अड़चने पूरी तरह से समाप्त हो गई है। और मैं यह मानता हूं कि धारा 370 के कारण यहां अलगाववाद भी पनप रहा था, यहां आतंकवाद भी पनप रहा था और यह चरम पर था। बड़ी संख्या में जहां पर यहां के
निर्दोष नागरिकों की मौत हुई है, वहां पर बड़ी संख्या में यहां पर आतंकवादियों से लड़ते लड़ते हमारे सेना के जवानों ने और अधिकारियों ने भी अपनी शहादत दी है, अपना बलिदान दिया है। मैं मानता हूं कि जिन लोगों ने भी शहादत दी है उनके प्रति मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, लेकिन धारा 370 समाप्त होने के बाद अब हालात पूरी तरह से यहां बदल चुके हैं। महिलाओं के अधिकार भी बढ़ेंगे और मैं मानता हूं केवल महिलाओं के अधिकार ही नहीं बढ़ेंगे बल्कि मानवाधिकार भी अब यहां पहले के कंपैरिजन में काफी सुदृढ़ होगा। अब हमारी केंद्रीय सरकार की भी जो स्कीम्स हैं वह भी यहां के लोगों तक पहुंचेंगी, यह मेरा पूरा विश्वास है। कनेक्टिविटी का जहां तक सवाल है, किसी राज्य अथवा देश के लिए इसका एक विशेष महत्व है और मैं समझता हूं कि क्षेत्र की कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी और बढ़ने के कारण स्वाभाविक है कि इस देश इस क्षेत्र का भी विकास तेजी के साथ होगा। और यह सब कुछ करने में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने जिस प्रकार की भूमिका निभाई है मैं पुनः उसकी सराहना करना चाहता हूं। और सारे देश का जहां तक प्रश्न है, हमारी सरकार ने यह संकल्प लिया है कि हम आगामी 5 वर्षों में 1,00,000 करोड़ रुपए खर्च करके इस देश में कनेक्टिविटी को बढ़ाएंगे, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे। और जहां तक इन क्षेत्रों का सवाल है, दुर्गम क्षेत्रों का सवाल है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका यदि कोई निभा रहा है तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन निभा रहा है। कठिन परिस्थितियों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लीडिंग रोल कोई एक ऑर्गेनाइजेशन इस समय यदि निभा रहा है तो हमारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि निर्माण के क्षेत्र में आने वाली हर चुनौती का सामना करने में भी कोई एक ऑर्गेनाइजेशन सक्षम है तो वह बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सक्षम है। सड़कों का निर्माण कर रहा है, पुलों का निर्माण कर रहा है, सुरंग का कर रहा है, हवाई अड्डों का कर रहा है, ऐसे कई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अपनी प्रमुख भूमिका का निर्वाह कर रहा है। मुझे इस बात की जानकारी दी गई है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अब तक जितना भी कंस्ट्रक्शन किया है उसमें से अप्रॉक्सिमेटली 90% कंस्ट्रक्शन 6,000 फीट अथवा उसके ऊपर किया है। पहले मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी, अब आप स्वयं यह कल्पना कर सकते हैं कि कठिन परिस्थितियों में यह ऑर्गेनाइजेशन अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहा है। और यह भी मुझे बतलाया गया है कि 2018-19 में ही 1,200 किलोमीटर रोड्स बीआरओ ने बनाई हैं। और सामरिक दृष्टि से देखें तो भारत और चीन के बीच बॉर्डर रोड्स का डिफरेंशियल पिछले 2 सालों में पहले के कंपैरिजन में काफी कम हुआ है। और मैं यहां यह उल्लेख करना आवश्यक समझता हूं कि मानसरोवर लिपू लेक को जाती बॉर्डर रोड जो 20 साल से पेंडिंग थी, नहीं बन पा रही थी, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने उस निर्माण को पूरा कर दिया है। इसके लिए भी मैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को अपनी तरफ से बधाई देता हूं। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने देश की दूर दराज क्षेत्र में रह रहे नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है उसकी मैं समझता हूं निश्चित रूप से सराहना सभी के द्वारा की जानी चाहिए। कठिन क्षेत्रों में जो सड़क निर्माण होता है उसमें केवल सीमेंट ही नहीं लगता, उसमें केवल कंक्रीट भी नहीं लगता है, बल्कि मैं मानता हूं कि हमारे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जो कार्मिक हैं, जो पर्सनल हैं, उनका पसीना लगता है, उनका साहस लगता है और उनका शौर्य लगता है, उनका पराक्रम लगता है, तब जाकर कठिन क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो पाता है। और मित्रों, बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन लद्दाख के डेवलपमेंट के लिए इस वर्ष 900 करोड़ खर्च करेगा, इस बात की भी जानकारी मुझे दी गई है। यह धनराशि एक साल में खर्च किए जाने के लिए कोई कम धनराशि नहीं मानी जाएगी। और इतना ही नहीं, लेह लद्दाख में जैसा विकास कार्य हो रहा है मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं यह राष्ट्रीय ही नहीं
बल्कि अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल बनेगा, मैं आश्वस्त हूं। और यह ब्रिज मुझे बताया गया है 15,600 फीट ये ऊंचाई पर है, 14,600 फीट ऊंचाई पर है और 1400 लंबा है और 15 महीनों के अंदर ही शायद इस ब्रिज का निर्माण हो गया है। यह भी हमारे लिए बेहद सुखद सूचना है और मैं मानता हूं कि हमारे सेना के जवानों का भी यह क्विक डिप्लॉयमेंट पहले के कंपैरिजन में होगा और डीएफ और डीबीओ रोड सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कों में से हमारी देश की महत्वपूर्ण सड़कों में से एक मानी जाती है और यह सड़क मुझे बताया गया है कि 150 करोड़ की लागत से बनी है, 1150 करोड़ की लागत से बनी है और खुशी है कि पिछले 2 वर्षों में इस सड़क पर उम्मीद से ज्यादा काम हुआ है। मुझसे बता रहे हैं कि डीजी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पिछले 2 वर्षों में बहुत ही तेजी के साथ इस सड़क पर काम हुआ है और दौलत बेग ओल्डी तक इस सड़क को जोड़ा गया है और केवल 5 महीनों में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 12 पुलों का निर्माण किया है केवल 5 महीने के अंदर। इसके लिए भी मैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की सराहना करना चाहता हूं और हमारा बॉर्डर मित्रों आप सब जानते हैं कि चीन से जुड़ा हुआ है और संबंध वैसे चीन के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं। आपने देखा होगा कि हाल में ही हमारे चीन के राष्ट्रपति आए थे चेन्नई में, महाबलीपुरम में हमारे प्रधानमंत्री जी वहां पर मौजूद थे, दोनों की लगभग 6 घंटे से अधिक की बातचीत भी हुई थी। लेकिन जम्मू कश्मीर के मुद्दे को भारत का एक आंतरिक मुद्दा मानते हुए चीन के राष्ट्रपति ने 6 घंटे पूरी प्रधानमंत्री के साथ बातचीत की लेकिन एक बार भी जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर उन्होंने चर्चा नहीं किया क्योंकि वह मानते हैं कि जम्मू कश्मीर का मुद्दा यह एक आंतरिक मुद्दा है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि चीन और भारत के साथ रिश्ते हमारे अच्छे हैं। इतना ही नहीं, अभी 1-2 दिन पहले आपने देखा होगा चीन ने दुनिया के सारे देशों से यह अपील की है आतंकवाद के खिलाफ हम सबको पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़नी चाहिए और मैं समझता हूं इस अपील का भी समस्त दुनिया के रहने वाले लोगों ने स्वागत किया है और हमारे सेना के जवान जो भारत और चीन की सीमा है आप सभी जानते हैं यलेशी में यानी सीमा को लेकर भारत और चीन के बीच एक पर्सनल डिफरेंसेस हैं यानी हमारे सेना के जवानों को भी किस सूझबूझ से काम करना पड़ता है उससे भी आप वाकिफ हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा चीन की फोर्स भी और हमारी फोर्स भी दोनों सूझबूझ के साथ अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रहे हैं। लद्दाख में एक कहावत है कि बंजर धरती और ऊंचे दर्रों के कारण हमसे मिलने या तो सबसे जो जिगरी और गहरा दोस्त होता है या तो वह आता है या सबसे जो गहरे अथवा सबसे बड़े जो दुश्मन होते हैं वे ही आते हैं। यह लद्दाख की एक कहावत है लेकिन अब जब मैं अपने वीर जवानों को देखता हूं तो मैं आश्वस्त होता हूं कि अब से यहां जो गहरा दोस्त होगा वही आ सकेंगे, दुश्मनों के आने की अब यहां पर कोई गुंजाइश शेष नहीं बची है। मैं अब इस संबंध में पूरी तरह से आश्वस्त हूं और मैंने वैसे भी अपने सेना के जवानों के शौर्य और पराक्रम को देखा है और इस समय आतंकवाद के खिलाफ भी जिस तरीके से हमारे सेना के जवान लड़ाई लड़ रहे हैं उसकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। अब हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है लेकिन हम लोग हमारी सेना कभी ऑफेंसिव नहीं रही है पाकिस्तान के ऊपर, पहली गोली हमारी सेना ने कभी नहीं चलाई है लेकिन उधर से भी गोली चलाई गई है। आतंकवादी हरकतों को बढ़ाकर भारत को डिस्टर्बलाइज करने की, कमजोर करने की, तोड़ने की कोशिश हुई है तो हमारी सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और मैं कहना चाहता हूं कि ये ऐसी कोशिश बंद नहीं की गई
और बराबर इस प्रकार की हरकत चलती रही तो लगातार हमारी सेना उसका मुंहतोड़ जवाब देगी जब तक कि यह सिलसिला रुक नहीं जाता है। जिस शोकन नदी पर यह बना हुआ है ब्रिज, उसके बारे में कहना चाहता हूं कि अपनी इनएसेसिबिलिटी के कारण यह रिवर ऑफ डेथ कहा जाता था, मुझे यह बतलाया गया है। और लेकिन जिस तरीके से यह निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है, मैं आश्वस्त हूं कि आने वाले समय में यह नदी रिवर ऑफ लाइफ के रूप में जानी जाएगी और यह नदी में जीवन धारा बहा करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अंत में मैं एक बार पुनः अपने सारे फोर्स के जवानों में अटूट विश्वास व्यक्त करना चाहता हूं, रक्षा मंत्री होने के नाते समस्त अपने सैन्य बलों के प्रति अटूट विश्वास व्यक्त करता हूं और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को अत्यधिक कम तापमान, दुर्गम और दूरदराज क्षेत्रों में विपरीत परिस्थितियों में काम करने के लिए उनके शौर्य, पराक्रम और धैर्य की मैं सराहना करते हुए पुनः उन्हें बधाई देते हुए और आप सबको धन्यवाद देते हुए और जिस कर्नल शांग रिंचेन की स्मृति में यह ब्रिज बना है उनकी भी स्मृति को नमन करते हुए और साथ ही उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। लेकिन इस निवेदन की समाप्ति के साथ साथ एक चीज और मुझे ध्यान में आ गई, यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिस्टर जामयांग ने यह कहा कि सियाचिन यह इधर का क्षेत्र या टूरिस्ट के लिए भी खोल दिया जाए ताकि किन विपरीत परिस्थितियों में हमारे सेना के जवान काम करते हैं इससे लोग अच्छी तरह परिचित हो सकें, देशवासी भी इसे समझ सकें। तो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि सियाचिन बेस कैंप से ले कुमार पोस्ट टूरिस्ट के लिए खोलने का निर्णय ले लिया गया है और देशवासियों को किस तरह से मुश्किल हालात में हमारी सेना को देश की रक्षा में तैनात होकर काम करना पड़ता है इसकी जानकारी हो सके, इसी दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण फैसला किया गया है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप नारायणाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम गणगणपताय विघ्न विनाशाय मम सर्वदाय नमस्ते, मम सर्वकार्यं शीघ्रं सिद्धं शुभं कुरु कुरु ओम शुभ मुहूर्तमस्तु शुभ मुहूर्तमस्तु। दीपं नैवेद्यं समर्पयामि, नमो नमः। ओम गोविंदाय नमः। उठो उठो पीछे आ जाओ थोड़ा सा, आप घंटे में आ जाइए, इधर बहुत आप हट जाइए, बाकी लोग हट जाइए। जी अरे बॉस चलो हो गया आप लोगों का।
वेरी गुड, क्या हाल है? ठीक है, आप समझती हैं हिंदी? थोड़ा बहुत। रेड्डी साहब, थैंक यू। ले 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 फोटो ले। सही है, स्नान वगैरह कैसे होता है आपको? ले पानी अब आ जाए, गर्म कर दे। पहले जमाने में पूरा काम करता है, आराम से नीचे से कर लो, ले लो ले लो। यहाँ फैन की तो कोई जरूरत है नहीं, एसी फ्री है सर, एसी फ्री। निर्मला सीतारमन सर, मैडम जी आए, योग जी होते हैं दूसरे व्यक्ति लोगों से बहुत पहले कौन कर रहा और भी अच्छा बच्चों की पढ़ाई अरे वहाँ धूप में जाते सर, उसके बाद ले में जाते हैं। पढ़ाई की कोई दिक्कत नहीं, मतलब हमें गाँव के हिसाब से नहीं सर, फिर ले तक जाना पड़ता है टेंथ के बाद। हेल्थ का, हेल्थ इश्यू। यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए भी लोग हैं? पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं, यहाँ पीजी का है सर, पोस्ट डॉक किए हुए हैं, बता दूंगा तुम। पोस्ट डॉक जेएनयू से पोस्ट डॉक भी है यहाँ पर। पालन से पालन।